सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे और हमारे चैनल से आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो जो है दिखते रहें। इंस्टीट्यूट आलन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम मुफ्ती सर आज आपको पढ़ा रहे हैं टेली क्लास। टेली प्राइम में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट टेली प्राइम में, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन टेली प्राइम। तो इंटरेस्ट जो होता है हमारे, जैसे हम किसी से लोन लिए हैं या पैसा उधार लिए हैं तो उसको ब्याज पे लेते हैं, तो ब्याज पेमेंट करने का सिस्टम वही है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। जैसे हमारा जो है यहाँ पे एग्जांपल है कि 1/4/22 को हमने रिसीव किया लोन SBI से 2,00,000 रुपये, जिसमें 9% को ब्याज देना साल भर के लिए हमने जो है लोन लिया है। दूसरा हमने रिसीव किया लोन अशोक से 6,00,000 रुपये, जिसपे 6% ब्याज है एक साल के लिए। तीसरा हमने पेड किया है रवि को लोन 80,000 रुपये, जिसपे 8% इंटरेस्ट है एक साल के लिए। तो हम जो है इसका लेजर बना लेंगे, SBI लोन जो हमने SBI लोन लिया है उसका सिक्योर्ड लोन में लेजर बना लेंगे और कैश का कैश इन हैंड में बना लेंगे। अशोक का जो है व्यक्ति है तो अनसिक्योर्ड में हो जाएगा और रवि का भी अनसिक्योर्ड में हो जाएगा। तो बैंक से हम लेते हैं वो सिक्योर्ड लोन में होता है, जो व्यक्ति से लोन लेते हैं देते हैं तो उसको अनसिक्योर्ड में होता है। तो हमारे इस सिस्टम में जो है टेली प्राइम में, अगर हम किसी से सामान उधार लिए हैं या पैसा उधार लिए हैं तो उसको हम ब्याज पे कैसे पेमेंट करते हैं, कैसे हम ब्याज निकालते हैं, वो तरीका हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हम टेली प्राइम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे टेली प्राइम है जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हैं। अब जो है हम यहाँ पे एक कंपनी बना लिए हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम का। अब जो है हम सबसे पहला काम कर लेते हैं, कंपनी पे आएंगे और कंपनी पे आने के बाद यहाँ पे या अवेलेबल की प्रेस करेंगे या डायरेक्ट हम अवेलेबल कर सकते हैं फीचर्स। और फीचर्स करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है अकाउंटिंग में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को जो है हम यस कर लेंगे और यस करके हम इंटर करेंगे। बाकी जो ऑप्शन जैसे वैसे रहने देंगे, बस हमको ध्यान देना है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है यस करना है और GST वगैरह सब नो करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल है, एक्सेप्ट करने के बाद हम आएंगे मास्टर बनाने के लिए क्रिएट पे। क्रिएट के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लेजर पे। लेजर में हमारा सबसे पहला है SBI लोन, इसको हम रखेंगे सिक्योर्ड लोन में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम यस करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन इंक्लूड करना है, इसमें ऐड करना हमको अमाउंट यस, और काटना भी अमाउंट यस। यहाँ पे कितना परसेंट निकालना है, तो हमारा एग्जांपल जो है इसमें है 9% साल भर के लिए, तो हम यहाँ 9 लिख के इंटर करेंगे, परसेंट लगा हुआ है। और साल भर के लिए तो यहाँ पर हम ले लेंगे 365 डे ईयर, और यहाँ पे हमको सभी बैलेंस भी निकालने, इसलिए हम ले लेंगे ऑल बैलेंस, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है, हमने अशोक से लोन लिया है 6% के हिसाब से साल भर के लिए, ये आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में। यहाँ भी इसको यस करेंगे और यहाँ भी दोनों ऑप्शन यस कर लेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे कितना परसेंट है 6%, 6 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा 365 डे हो जाएगा ऑल बैलेंस, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हमारा है रवि का 8% के हिसाब से, ये भी अनसिक्योर्ड में रहेगा, यहाँ भी यस करेंगे, यहाँ भी यस करेंगे, यहाँ भी यस करेंगे, और यहाँ 8%, यहाँ भी 365, यहाँ भी ऑल बैलेंस, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा जो सब लेजर बन चुका, कैश का बना रहता है, बैक करके हम देख लेंगे। आएंगे यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे लेजर पे, और यहाँ पे कंट्रोल एच करेंगे चेंज व्यू, और यहाँ लेजर व्यू सेट करके इंटर डाल देंगे। हमारा अशोक लोन हो गया अनसिक्योर्ड लोन में, कैश कैश इन हैंड में, प्रॉफिट लॉस का बना रहता है प्राइमरी में, रवि लोन का अनसिक्योर्ड लोन में, SBI लोन का सिक्योर्ड लोन में बन चुका है। बैक करेंगे, बैक करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ डेली में, यहाँ पर आएंगे हम वाउचर में, एंट्री करने के लिए हम वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में पहला एग्जाम्पल हमारा रिसीव का, तो रिसीव में आएंगे, अब सिक्स करेंगे, ये हमारा रिसीव वाउचर है। यहाँ क्रेडिट में हम ले लेंगे SBI लोन, SBI लोन हमारा जो है 2,00,000 रुपये है,
और यहाँ पे हम इंटर करके ले लेंगे क्रेडिट में, डेबिट में, क्रेडिट में हो गया SBI लोन, डेबिट में ले लेंगे हम कैश। ये नेशन लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा एंट्री हमको रिसीव में करना है, और हमने जो है लोन रिसीव किया है अशोक से 6 लाख रुपए, ये आ जाएगा अशोक लेन 6 लाख रुपए, यहाँ कैश हो जाएगा। ये हमारा दर्शन हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा एंट्री हमको पेमेंट में करना है F5। हमने जो है पेमेंट किया है रवि को लोन, कितना पेमेंट किया है 80,000 रुपये, यहाँ ले लेंगे हम कैश। ये हमारी एंट्री हो गई, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कोई एंट्री गलत हो जाता है तो बैक करके हम आएंगे यहाँ पे डेबुक में, और यहाँ पे हमारा एक एंट्री गलत हो चुका है पेमेंट वाला, इसी पेमेंट को लेकर के हम इंटर डाल देंगे, और यहाँ पे इंटर करेंगे जहाँ पे हमारा SBI है, यहाँ पे हमारा होना चाहिए रवि, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, रवि ले लेंगे 80,000 रुपये, इंटर करके नर्सन यहाँ लिख करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम चेंज भी कर सकते हैं। देखें हमारा पेमेंट में जो है SBI हो गया था, हमने रवि कर दिया, एंट्री हो गया हमारा। अब देखने के लिए जो है हम बैक करेंगे, गेट वे पहले में आएंगे, यहाँ आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आएंगे। फिर से आपको बता दे रहे हैं, गेट वे पहले में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, उसके बाद हम आएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आएंगे, उसके बाद हमने जो है लोन दिया है तो उसको हमको तीसरा एग्जाम्पल हमारा जिसमें हमने लोन दिया पेमेंट किया है उसमें हमको जो है इंटरेस्ट रिसीव करना, इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल में आएगा हमारा आंसर। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारा आंसर है। बैलेंस हमारा 80,000 रुपये है 1 अप्रैल को, तो हमारा जो है एक दिन का जो 8% के हिसाब से ब्याज है 70 रुपये 3 रुपये से बना है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे बैक करके अगला देखना है तो आ जाएंगे यहाँ इंटरेस्ट पेएबल में, इंटर करेंगे। ये हमारा यहाँ पे दो होगा, एक सिक्योर्ड का एक अनसिक्योर्ड का, इंटर करेंगे, इंटर। ये हमारा एक दिन का जो है 9% हिसाब से इतना रुपये बना हुआ है। ऐसे अगले का देखना है तो यहाँ आ जाएंगे अनसिक्योर्ड वाले पे, ये हमारा बना हुआ है। अब जो है अगर यहीं पे हमको साल भर का देखना है तो यहीं पे हम F2 करेंगे पीरियड, और यहाँ पे 1 अप्रैल और यहाँ पे 21/3/23 कर देंगे, इंटर करेंगे। ये हमारा जो है 365 दिन का 6% हिसाब से इतना ब्याज बना है 36,000 रुपये। ये हमारा जो है साल भर का दिखा रहा है, ऐसे हम किसी भी दिन का 1 महीने का 2 महीने 3 महीने देख सकते हैं F2 करके, किसी का भी देखना हो इसमें देखना हो तो यहाँ से F2 करेंगे पीरियड, कितने दिन का देखना है, 1 महीने देखना है तो 1/4 से 1/5/22 यहाँ लिखेंगे, इंटर करेंगे। ये हमारा जो है 31 दिन का दिखा रहा है, 8% से इतना ब्याज बना है, तो देखने का तरीका है यहाँ से आप लोग देख लेंगे कितना निकला है ब्याज कब तक का, तो साल भर का ये ब्याज दिखाता है हमारा, आप इसको देख सकते हैं, और निकालने का तरीका है। और अगर एंट्री देखना है तो डेबुक पे आएंगे और यहाँ पे आप टेफोन करेंगे, डिटेल में देख सकते हैं। एक यहाँ पर हमारा पेमेंट में ये रिसीव में, दूसरा भी रिसीव में, तो एग्जाम्पल है हमारा जो हम अपने एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो हमारा जो है एग्जाम्पल है तीनों एंट्री हमने कर लिया है, और इसकी एंट्री आप लोग कर लेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर लिख दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे नए वीडियो जानकारी हमें चैनल जरूरी है। थैंक्स फॉर जी, जय हिंद, जय भारत।